जय हिंद दोस्तों, ऑफिशियल बोडो प्रेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं एक नया वीडियो लेकर आप लोग का सामने आया हूं, जो कि एक सर्विसमैन पर्सन लाइफ सर्टिफिकेट को कैसे अपलोड किया जाता है। दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट को दो तरीका से अपलोड कर सकता है, एक मैन्युअली और एक बायोमेट्रिक्स अपने आधार कार्ड लिंक द्वारा। दोस्तों बायोमेट्रिक्स से अपलोड जो आधार लिंक है आपके मोबाइल नंबर के साथ, उसके साथ आपको आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए आपके पास ये मशीन होना जरूरी है, जो ये फिलहाल मेरे पास मंत्र का है। ये इसके साथ आपके लैपटॉप या तो आपके मोबाइल का साथ लिंक होना चाहिए। दोस्तों ये लिंक होने के बाद आप एक एप्लीकेशन होता है उस मंत्र का, अभी मैं कंप्यूटर का स्क्रीन में जाएगा तो उसकी एप्लीकेशन का बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों इसके साथ आपका लैपटॉप पीसी या मोबाइल का साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे आप स्पार्क में जाएगा, उस स्पार्क में आपको लाइफ सर्टिफिकेट में जाकर आप उसको आपके आधार लिंक द्वारा आपको लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों ये है बायोमेट्रिक्स है, जो 2 से 2500 रुपया लेता है। दूसरा है मैन्युअली। दोस्तों मैन्युअली में थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा कार्रवाई ज़्यादा होता है, जो कि मैन्युअली में आपको आपके स्पर्श में लॉगिंग होकर आपका नाम का ही एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। उसको डाउनलोड करके आप किसी अधिकारी से, डॉक्टर हो या कोई वेटनरी डॉक्टर हो, कोई ऑफिसर रैंक के, आप किसी से साइन लेकर उस फॉर्म में उसके कॉन्टेक्ट नंबर, उसके मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद उसको दोबारा स्कैन करके उसको अपलोड करेगा तो आपकी लाइफ सर्टिफिकेट एक साल के लिए अप टू डेट हो जाता है। दोस्तों मैं आज इस कार्रवाई को मैं आप कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मेरी चैनल को, ऑफिशियल बोडो प्रेस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं बहुत सा वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी या नॉलेजेबल वीडियो हो सकता है। दोस्तों अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो दोस्तों गूगल स्क्रीन में आप स्पर्श टाइप कीजिए, उसके बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद यूजर आई डी, आपका जो PPO नंबर है वो एंट्री कर दीजिए। हमारा रेजिमेंट का हिसाब से लास्ट में PPO नंबर के 01 लगाना है, तब आपकी यूज़र आईडी बन जाएगा। और पासवर्ड एंट्री कर दीजिए, जो अभी आपने लॉगिन के दौरान में जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड इस जगह में एंट्री करना है। जो स्क्रीन में दिखाई दिए के जो कैप्सा है वो कैप्सा को आप इस जगह में एंट्री कर दीजिए। एंट्री करने के बाद आप लॉगिन कर दीजिए। जैसे लॉगिन करता है तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा। दोस्तों ये आपके स्पर्श का लॉगिंग हो गया है। आपके यहाँ राइट साइड में जो लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन है उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर देता है तो आप यहाँ लाइफ सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिफिकेशन फिर से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसमें लाइफ सर्टिफिकेट डाल चुका है, इसलिए मेरा अगला सर 24 को ड्यू है। अभी आपको यहाँ क्या करना, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएगा, एक मैन्युअली और एक आधार द्वारा। दोस्तों आधार द्वारा लिंक करने के लिए आपका पीसी या लैपटॉप या मोबाइल में आपकी जो बायोमेट्रिक मशीन है वो आपके पास कनेक्टेड होना चाहिए। दोस्तों जैसे मैं पहले से बता दिया है, मैनुअल है, उसके बाद आप उसको मैनुअल को क्लिक करके नेक्स्ट करना है। करने के बाद आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो वो आपके होगा उसका। जैसे उसको इसके बाद आधार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा क्या बायोमेट्रिक कनेक्टेड है,
यस यस है तो आप इसको यस कर दीजिए। जैसे यस कर देता है काफ़ी टाइम लगता है, ये एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा है इसलिए काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों मैनुअल का बारे में मैं आप लोग को पहले बता चुका है, मैनुअली अपलोड करने का थोड़ा लंबा तरीका है। जैसे कि आपका नाम का एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, उस फॉर्म को आप किसी अधिकारी से साइन करा के आप यहाँ अपलोड करना है। दोस्तों अभी आपका आधार द्वारा जो बायोमेट्रिक है वो ऑन हो चुका है। दोस्तों ये काफ़ी टाइम लगता है स्क्रीन कंप्लीट स्क्रीन आने के लिए। अभी ये आ गया, इसके बाद आप यहाँ में क्लिक करने के बाद आपको ये बायोमेट्रिक को क्लिक करना है। करने के बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, इसको क्लिक करना है। करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर देगा तो आपके बायोमेट्रिक में आपका लाइट चलेगा। दोस्तों बायोमेट्रिक में आपका इस जगह जैसे बायोमेट्रिक है वो आपकी इसमें लाइट जलेगा। जैसे लाइट जलता है तो आप इसको अंगूठा से ऐसे क्लिक करना है तो आपको वहाँ मतलब आपके कैप्चर हो जाएगा। दोस्तों मैं अभी यहाँ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी फ़िलहाल मैंने इसको अपलोड कर चुका है। दोस्तों इतना तरीका से आपको क्या है सक्सेसफुल एक मैसेज स्क्रीन में आ जाएगा, उसके बाद आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। उस PDF में आपको सक्सेस का मैसेज मिलेगा कि आपका नेक्स्ट ईयर आपका एक साल के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है। दोस्तों मैनुअल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका है मैनुअल को कैसे किया जाता है। आपका नाम का फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, उसमें आपका PPO नंबर आपके नाम डिटेल लिखा होगा। उसके बाद इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके आप किसी अधिकारी से आप साइन करा के आप इसको दोबारा स्कैन करके उसको अपलोड करना है इसी जगह में। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपका अपलोड होने का साथ साथ एक OTP आएगा, OTP को इन करना है, उसके बाद आपकी सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। दोस्तों यहाँ तक है आपकी लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने का तरीका। जय हिंद दोस्तों, ये था आपको लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने का तरीका। दोस्तों इसको अपलोड करने के लिए आपको एक तो बायोमेट्रिक चाहिए, एक तो मैनुअली है, जो कि आपको मैनुअली से अपलोड करके डॉक्यूमेंटेशन करके आप स्कैन करके अपलोड करता है, और दूसरा आधार द्वारा लिंक। आधार द्वारा का बारे में आप लोगों को बता दिया। दोस्तों ये लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो को देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।